सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, बाजार में मिलने वाले कंडीशनर महंगे तो होते ही हैं, साथ ही आपको अपने बालों के लिए कौन सा कंडीशनर लाभकारी है यह भी पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप घर पर ही प्राकृतिक चीजों की सहायता से कंडीशनर बनाते हैं तो फिर यह आपके बालों के लिए बेहतर तो होता ही है, साथ ही आप अपनी सुविधा के अनुसार उन पर खर्च भी कर सकते हैं। घर पर प्राकृतिक चीजों से बनाए गए कंडीशनर भी आपके बालों को चमकदार व सुलझे हुए बनाने में कारगर होते हैं। दोस्तों, मार्केट में मिलने वाले कंडीशनर्स में केमिकल्स होते हैं जिनके लगाने से आपके बाल मुलायम चमकदार तो बन जाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करते रहने से आपके बाल रूखे बेजान हो जाते हैं। और अगर आप घरेलू कंडीशनर का प्रयोग करते हैं तो पहली बात तो यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके बालों पर नहीं होगा, साथ ही इस घरेलू कंडीशनर से बालों की चमक बनी रहती है, साथ ही बाल सुलझे रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कंडीशनर से बाल धूप और प्रदूषण के प्रभाव से भी काफी हद तक बचे रहते हैं और दो मुहे बालों की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है, बालों का रूखापन भी खत्म हो जाता है और बाल सुलझे रहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कंडीशनर के बारे में बता देता हूँ, जिसे आप खुद अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं और अपने बालों को स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नुस्खे को बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सरल घरेलू नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सब्सक्राइब करने से और बगल के बेल आइकन को दबाने से आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको ले लेना है एक अंडा। जी हाँ दोस्तों, एक अंडा आपको ले लेना है और इसे तोड़ लेना है। इस तरीके से तोड़ करके दोस्तों आपको इसे ऐसे इस तरीके से आपको इसको तोड़ लेना है। अब दोस्तों आपको इसमें मिला लेना है करीब 2 चम्मच शहद। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें 2 चम्मच शहद मिला लेना है। इस तरीके से एक और दो, ऐसे आपको शहद इसमें मिला लेना है। अब दोस्तों आपको इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल भी मिक्स कर लेना है। तो ये मैं 2 चम्मच इसमें नारियल का तेल भी मिक्स कर लेता हूँ। दोस्तों, आप नारियल का तेल इसमें ऐसे मिक्स कर लीजिए, ऐसे आप इसमें मिक्स कर लीजिए। अब आप इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए, इस तरीके से आप इसे मिला लीजिए। अच्छी तरीके से दोस्तों आपको इसको मिलाना है, इस तरीके से दोस्तों आप इसको मिला लीजिए। ये आपके बालों के लिए पर्याप्त होगा। अगर दोस्तों आप 2-3 लोग हैं तो आप 2 अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलहाल 1 अंडा आपके बालों के लिए पर्याप्त रहेगा। दोस्तों, ये मिक्स हो चुका है, अब मैं आपको इसका प्रयोग बता देता हूँ। दोस्तों, पहले आप अपने बालों को अच्छी तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद दोस्तों आप इस कंडीशनर को अपने बालों पर लगा लीजिए। लगाने के बाद आप आधे घंटे के लिए अपने बालों पर इसे लगा रहने दीजिए और फिर दोस्तों आधे घंटे के बाद आप अपने बालों को धो लीजिए। दोस्तों, आप इस नुस्खे का प्रयोग सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं और दोस्तों आप देखेंगे कि आपके बाल मुलायम चमकदार बन जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, आप इस नुस्खे का प्रयोग जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। अंडे और दही को भी मिलाकर बालों पर लगाने से फायदा होता है, इससे भी बाल लंबे घने और मुलायम बन जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही सौंदर्य बढ़ाने के नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।